अगर आपके बच्चों ने भी आपका जीना हराम किया हुआ है तो जल्दी से ब्रेड में पानी डाल दें और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर लें ये खाने के बाद बच्चे चुप भी कर जाएंगे और दोबारा तंग करने का सोचेंगे भी नहीं इतनी इनको ये रेसिपी पसंद आएगी तो बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया है आलू जैसे बॉयल होंगे उसको ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद ही छीलना है क्योंकि आलू तते होते हैं और आपके हाथ भी सड़ सकते हैं आज मैंने सारी दुखों की मारी माओ के ना दुख दर्द तकलीफ को समझते हुए ये रेसिपी शेयर की है क्योंकि बच्चों ने ना मासूम माओ को बेचारियों को पढ़ने पाया होता है कि हमने लेस खाने थे सलांटी खानी तो माए बेचारी फिर सर पढ़ कर बैठ जाती है कि अब हम इनका क्या इलाज करें तो इनका ये इलाज करें इनको ये पोटैटो समाइली बनाकर कर दे ये खाते ही बच्चे शांत हो जाएंगे और जरा भी नहीं कुसकेंगे और ये पटेटोस हमारी ना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आलुओं के साथ नहीं हमने बनाना हमने इसमें ब्रेड भी यूज करनी है तो ब्रेड के मैंने दो अद स्लाइसिस लिए हैं स्लाइसिस का सबसे पहले हम एजिस रिमूव करेंगे और एजिज काटने के लिए मैं कैंची का यूज कर रही हूँ अब कुछ बहने सोच रही होंगी कि बाजी ने वालों वाली कैंची ले ली इससे दाढ़ी मूछ काटते हैं तो यही कैंची पकड़ ली दाढ़ी मूछों वाली ये दाढ़ी मूछों वाली नहीं है ये हमारी ना किचन की कैंची है और किचन की चीजों की कटिंग के लिए ही यूज होती है घर वालों को जब ज्यादा मिर्चे लगवानी हो तो हरी मिर्चे मैं कैंची की मदद से ही काटती हूँ हाथों से काटने बैठू तो मेरे हाथों में ना मिर्चे चमाती हैं मैं ना सबज मिर्च हाथों से ना काट नहीं सकती कुछ लोग तो मिर्च को बूंदी से पकड़ के ऐसे ही कुतरी जाते हैं लेकिन मुझसे नहीं ऐसे कुतरी जाती मुझे तो फौरन ही चमाने लग जाती है तो अब दो अदद ब्रेड के स्लाइसी पे हम पानी डालेंगे पानी से हमने अच्छी तरह से ब्रेड को गीला कर लेना है और आप लोग तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पर न्यू है रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो काइंडली रीपोस्ट कर दें और जो खुद ही कर देते हैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया पानी में डिप करने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी निकाल देना है क्योंकि हमें एक सॉफ्ट ब्रेड चाहिए इसलिए हमने पानी में डिप की ब्रेड को हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं या तो ब्रेड के आप क्रम्स बना लें जिनके घर में चॉपर है वो तो क्रम्स बनाकर ही ऐड करें और जिनके घर चॉपर नहीं है वो ये वाला तरीका तैयार करें ब्रेड को गीला करें और फिर ऐड करें अब एक चौथाई कप के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इससे बाइंडिंग जो है बड़ी अच्छी होगी तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्पाइस ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है हाफ चम्मच के बराबर नमक ऐड किया है और थोड़ी सी सफेद मिर्च ऐड करेंगे सफेद मिर्च नीचे जमकर बैठी हुई थी हला हलू के इसको निकाला है ये भी एक चौथाई चम्मच है अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आलू जो है आप दो तरह से डाल सकते हैं कद्दूकश करके डाल लें या स्ट्रेनर की मदद से डालें तो स्टेनर वाला तरीका भी आप लोगों को पहले बताया हुआ है तो डो हमें एक फाइन सी चाहिए जैसे आटे की डो होती है वैसे ही चाहिए अगर आप हाथों की मदद से ही आलुओं को फेंक कर डालेंगी तो इससे मोटे डकरे रह जाएंगे और इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पोटैटो सुमाइली जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे तो इसलिए हमें फाइन सी डो बनाने के लिए कद्दूकश करके ही डालना पड़ेगा या स्टेनर की मदद से तो ये आप देख सकते हैं आटे की तरह की एक फाइन सी डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है तो इसका रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं ये कौन सा हड हराम है तो अब हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ही मैंने स्प्रिंकल कर दिया है तो इसी के ऊपर जो है हम पोटैटो स्माइली बनाएंगे तो डो को इसके ऊपर हम फिला देंगे जैसे हम रोटी को फिलाते हैं ना वैसे ही हम फिलेंगे लेकिन मैं हाथों की मदद से ही इसको फिलाऊँगी ईजीली ये ना हाथों की मदद से फैल जाएगा और एंड पे ना लेवल करने के लिए मैं थोड़ा सा ना रोलिंग पिन का यूज़ करूँगी या डंडे का यूज़ करूँगी ये कुंडी वाले डंडे के साथ ही मैं लेवल कर लूंगी और आपने इसकी मोटाई जो है हाफ इंच के बराबर रखनी है पोटैटो समाइली की तो रोटी को मैंने पूरे कटिंग बोर्ड पे फिला दिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग के लिए ये मेरे पास एक टूल है कटिंग टूल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मीडियम साइज का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं बॉटल वाला ढक्कन जो होता है और जिस साइज की आप पोटैटो समाइली रखना चाहते हैं तो उस साइज की आपने कटिंग कर लेनी है तो मैं तो इसी की मदद से ही कटिंग करूंगी निके निके ही बेचारे पटाटे समा बनेंगे बच्चा समा लिया ना वो मैं बना रही हूँ बच्चों को इस तरह के काम करने का ना बड़ा शौक होता है तो आप बच्चों को भी साथ लगा सकती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए बच्चे भी ज़रा खुश हो जाते हैं कि हर वक्त पढ़ाई 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 तो कुट कि हमें फन वगैरह करने का मौका ही नहीं मिलता तो बच्चों को ना सम टाइम इस तरह की एक्टिविटी करवाया करें डोनट्स वगैरह बना रही हैं तो बच्चों को साथ लगा लिया करें कि वो भी छोटे छोटे बनाएं अब हम पटेटो स्माइली की अखें बनाएंगे तो अँखें बनाने के लिए मेरे पास एक सट्रा है सट्रा की मदद मतलब से मैंने आइल्स जो है वो बनाई है तो स्माइली बनाने के लिए आप स्पून का यूज़ करें और इस तरह स्पून की मदद मतलब से आपने स्माइल बनानी है विंगी सी ही स्माइल बनी है तो आप अगर प्रोफेशनल है तो आप अच्छी स्माइल भी बना सकते हैं अगर चम्मच की मदद मतलब से उल्टा चम्मच इस तरह लगाएंगे तो वो पुट्टी स्माइल बन जाएगी मतलब सैड वाली स्माइली बन जाएगी ओ स्माइली तो सैड वाली होंगी नहीं है स्माइली हैप्पी वाली हुई होती है मतलब वो सैड फेस बन जाएगा तो इसी तरह के हम सारी स्माइलियाँ जो है बना लेंगे मेरे नेफ्यू और नीस अगर आए होते ना तो ये काम मैंने उनसे करवाना था वो बेचारे भी, भी हैप्पी हो जाते कि फूफी ने हमसे ना ये स्माइलियाँ बनवाई हैं तो कुछ स्माइली तो इतनी फ़नी लग रही थी ना ऐसे लग रहा था कि मुझ पर ही हंस रही हैं अब एक खूबसूरत सा ऑरेंज रंग का फ्राई पैन लेना है उसमें ऑयल डालना है ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हमने स्माइलिस जो हैं इसके अंदर ऐड करनी है एक एक चूकर मैं ऐड कर रही हूँ तो डालते वक्त मैंने फ़्लेम ज़रा लो कर दिया था ताकि ये जले ना तो जैसे ही मैंने सारी ऐड कर दी थी फिर मैंने फ़्लेम जो है मीडियम कर दिया तो एक दफ़ा मैंने वैसे ही हिला दिया था और आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हाय हाय बेचारियाँ स्माइलियाँ फैल जाएंगी इनके मुंह विंगे चिबे ना हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे हमने डाली हैं एज़ इट इज़ ही रहेंगी जस्ट इनका कलर ही गोल्डन आएगा तो हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आएगा और इन स्माइलियों की स्माइल देखकर ना मुझे अच्छा भी लग रहा था कि बेचारी बड़ी खुश हो रही है कि इनको सेका लग रहा है लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है अब हम निकाल लेते हैं अगर आप मजीद कलर डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कुक कर लेना सभी स्माइलियों को प्यार मोहब्बत से चू कर छाने में डाल लेना है और थोड़ा सा घी जब नुचड़ेगा फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे बस इन्हें निकालने की ही देर होगी कि आपके दीदे बच्चों ने ना आले दुआले हो जाना है कि हमें अभी दे तो हमें अभी दे ठंडा होने का भी वेट नहीं करेंगे इतने वो काले पड़ जाएंगे तो कैचअप के साथ सर्व कर देंगे ऐसे ही बच्चों को दे दे बच्चे ये खाकर खुशी से पागल ही हो जाएंगे उम्मीद करती हूँ आपको ये बच्चा पार्टी की रेसिपी अच्छी लगी होगी पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह